राम राम भाई सारे ने एक बार फिर तो भाई आली है भाई चित्ते आली है पलवल के ना भाई फरीदाबाद फरीदाबाद रे भाई फिर की कराज गुमा छोरे ने नु ताले लड़ ले सुबह कैब से एंट्री करी थी और कैब भाई 4 बजे करेक्ट एंट्री शुरू हुई यहां पे पहला बैच की। हां तो बता जो पहला बैच में किसने बैठना हो तो भीतर कैब से जाना चाहिए। मतलब 3:30 बजे तक यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं तो अपना 3:30 बजे आके गेट के आगे बैठ जाओ पहला बैच में। टोटल कितने बैच बने? नायक भाई की पहला बैच में यहाँ पहले बैठ रहे हो तो पहली बैच भगाऊंगी। अच्छा मेरा तीसरा बैच है पहले नंबर पे भगाया भाई। अच्छा मतलब कटमा भगाओ है। हाँ मतलब बीच में तो कोई सब ग्रुप उठा के कभी भगा दे बीच में उठा कर दे। हाँ भाई नू बता पहले ग्रुप वाले ने ज्यादा टाइम मिला क्या आखिर टाइम? ऐसा कुछ ना भाई प्रॉपर टाइम दे रहे हैं जो आर्मी को टाइम है। अच्छा 5:30 में अपना एक्सीलेंट बच्चे है 5:45 तक टाइम दे रहे हैं कोई टाइम देख रहे हैं। हाँ टाइम स्क्रीन लग रही भाई टाइम पूरा पूरा देखो ग्राउंड में स्क्रीन लग रही ग्राउंड में स्क्रीन लग रही भाई भाई यार तो मौज कर दी है। पहले तो गड्डी भी ना जाया करती भीतर अरीब की बार तो भाई पूरा एलईडी लगा गड्डी भी लगा के भग रहे हैं कोई दिक्कत ना बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। हां नौ किसी तक गाली गलौज कर रहे फौजी बड़े प्यार से रख रहे हैं प्यार से मतलब बिल्कुल। नु बता जो आखिरी बालक रहा है ग्रुप में कितने का टाइम मिल जाए उन्हें भाई आखिरी मतलब जो सबसे लास्ट में पकड़ा गया ना भाई खूब 4:35 5:35 5:40 तक आराम तो बंदे जा रहे हैं ग्रुप में। एक्सीलेंट के कितने में है? एक्सीलेंट भाई 5:20 5:25 को टाइम प्रॉपर मिल रहा है एक्सीलेंट मौज हो रही है मतलब। तो भाई एक चीज और बता दे कि हाइट बाद में चेक करें पहले चेक करें? भाई हाइट भर्ती के बाद में चेक कर रहे हैं भाई पहले तो यह करता ना कि एंट्री पे चेक कर लिया करते पहले हो भाई भाई जब तक पहले पेपर होने लगा ना तो क्योंकि बालक तो पेपर में बहुत से बालक पेपर में निकल जा तो उसकी बदौलत हाइट बाद में ले रहे हैं कि कंपटीशन बना रहे रनिंग को।